नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन अब पूरा अलर्ट मोड पर है। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने चुनाव निर्वाचन अधिकारी विजय देवराड़ी के साथ विकासखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रत्याशियों के नामांकन खरीदने और जमा करने के लिए बनाई गई खिड़कियों का भी जायजा लिया। विजय देवराड़ी ने बताया कि 6, 7 और 8 सितंबर को प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए टोटल 12 काउंटर बनाए गए हैं, साथ ही बैरिकेटिंग की व्यवस्था भी की गई है और पुलिस बल तैनात है। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार दिनांक 6, 7 और 8 सितंबर के मध्य जो है लक्सर विकासखंड में प्रधान पद, सदस्य ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए टोटल 12 काउंटर लगाए गए हैं। बालों में हाथ फेरते और सदस्य क्षेत्र प्रधान और सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 8 काउंटर लगाए गए हैं न्याय पंचायतवार, और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए जो 4 काउंटर लगाए गए हैं उसमें 1 से 10 जो वार्ड हैं क्षेत्र पंचायत के वो 1 ARO को दिए गए। इस प्रकार टोटल हमारे विकासखंड में 12 काउंटर चल रहे हैं, जो विधिवत रूप से पर्याप्त स्पेस सभी जगह जो प्रत्याशी उनके लिए नॉमिनेशन के लिए लगाए दिया गया है। आज से शुरू हुई है और मैं अभी विकासखंड कार्यालय लक्सर में आया हूँ। यहाँ पर नामांकन की जो प्रक्रियाएं हैं वो ARO, ARO के स्तर से बहुत विधिवत तरीके से संचालित हो रही है और वोटर लिस्ट वगैरह देने की जो कार्रवाई है वो BDO के द्वारा की जा रही है, और जो नामांकन प्रपत्र खरीदे जा रहे हैं वो भी BDO साहब के स्तर से वितरण किए जा रहे हैं, और यहाँ पर सभी व्यवस्थाएँ दुरुस्त हैं, शांति व्यवस्था भली भांति बनी हुई है और किसी प्रकार की कोई समस्या अभी तक नहीं है, और लगातार नज़र बनाए हुए हैं और पर्याप्त फोर्स यहाँ पर शांति व्यवस्था के लिए लगाई गई है। देखिए धारा 144 प्रभावी है। तो आपको बता दें कांग्रेस ने सूची जारी की है। हरिद्वार जिला पंचायत सदस्यों की सूची कांग्रेस के द्वारा जारी की गई है। 44 प्रत्याशियों के नाम इसमें घोषित किए गए हैं।